तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं करने जा रही हूँ आज कपड़े धुलाई का इंतज़ाम। आज मैं बेडशीट्स वगैरह सब चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगानी है मशीन, इसलिए मैं लाई हूँ न्यू बेडशीट बेड पे बिछाने के लिए। इस बीच मेरी बेटी नहा रही है और मुझे पीछे से बराबर आवाज़ लगाई जा रही है, मम्मा मम्मा मम्मा। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बड़े हो गए हो, अब आप खुद से नहाना सीखो। इतने मैं अपने बेड का काम ख़त्म करती हूँ। आज बच्चों का ट्यूशन भी है तो मैम आएंगी आज जल्दी पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा इतने में मैं अपने काम फिनिश कर लेती हूँ। आज मॉर्निंग रूटीन का मैं शेड्यूल नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा आज लो है, जो कि आप सभी जानते होंगे, मेरी शक्ल पे दिख जाएगा आपको मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। एक्चुअली मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मेरे को सर में दर्द और शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो इसलिए मैं अपने किसी काम को ना जल्दी से फिनिश करने के लिए नहीं सो सकती। मैं थोड़ा धीरे धीरे रुक के करती हूँ। तो मैंने कहा आज काफ़ी 2-3 दिन बाद मैं मशीन लगाने जा रही थी, तो मैंने कहा आज बेडशीट सारी चेंज कर ही देती हूँ आखिर। तो मैं बेडशीट ऐसे बिछाने लगी, समझ में नहीं आया था आज क्या बनाऊंगी, तो सब्जी भी नहीं थी तो मम्मी बोली कि मैं कल लेके आऊंगी, मार्केट कर लगे। मैंने कहा ठीक है, तो आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, सिंपल रोटी, रायता और हरे धनिया की चटनी। जो बच्चे खाएंगे खा लेंगे, आलू की सब्ज़ी तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं पहले जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी किचन में। किचन में जाने के बाद अपने सारे काम ख़त्म करूँगी। गाइस ये वॉलपेपर लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना रूम, देखो आप लोगों को कैसा लगा। वॉलपेपर मेरे को थोड़ा सा कम पड़ गया, अब मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, बस वो आ जाए जल्दी से। इस बीच बेटी ने बुलाया, मम्मा प्लीज़ गिव मी माय टॉवल। मैंने कहा ठीक है आती हूँ बेटा। वो एक्चुअली वो कोकोमेलन वाला सॉन्ग होता है ना, मम्मी मम्मी, तो मैं बोल रही थी यस पूर्वी, वो बोल रही उधर से प्लीज़ गिव मी माय टॉवल। मैंने कहा ओके पूर्वी। इसको कोकोमेलन वाली लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको टॉवल दे के आ गई हूँ। फिर मैंने कहा जल्दी से बेडशीट बिछ जाए यार, बेडशीट बिछाने में इतना टाइम लग रहा है। ओहो ये वॉलपेपर देखकर तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना सच में, जल्दी से वॉलपेपर आ जाए, मैं पूरा एरिया कवर कर दूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी फाइनल। मेरे रूम का जो लुक है ना वो इतना डिसेंट हो गया पहले से, मेरे को इतना अच्छा लगने लगा रूम में रह के, वरना बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी इस चीज़ को देख के कि गंदी सी वॉल दिखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कोई आता था घर पे तो भी अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले इसको ठीक करूँगी और फिर कुछ चीज़ करूँगी। मैंने जल्दी से बेडशीट बिछा के अपने काम को किया ख़त्म। बेटी नहा के आने वाली है तो मैंने उसके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। मैंने कहा कपड़े निकाल के रख दूँ तो उसको जल्दी से पहनाने में ईजी होगा। फिर पूरी बोली मम्मा देखो आ गई से, मैंने कहा पूरी हेलो करो, तो वो हेलो करने लगी सबको। मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा पूरी 2 मिनट वेट करो मैं अभी आ रही हूँ। इस बीच उसने अपने आप कैमरा ऑन किया और वीडियो शूट करने लगी। वो बोली हेलो माँ मैं आपकी वीडियो में आ सकती हूँ क्या? तो मैंने बोल दिया ठीक है पूरी आ जाओ। वो अपने आप ही कुछ बातें बोलने लगी, मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रही है। तो उसने बोला कि हेलो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, फिर मैं पहनूंगी कपड़े और मैं अब जैम ब्रेड खाऊंगी और अच्छे से बैठ जाऊंगी क्योंकि मुझे नहाना। मैंने बोला बेटा ठीक है ऐसे ही शूट करते हैं मानती हूँ, पर बच्चों को होता है अपनी शैतानी में लगे रहते हैं और वो आके यहाँ पे अपना कुछ भी कहने लगे। मैंने कहा ठीक है बेटा चल अब जल्दी से पिलो कवर चढ़ा के फटाफट फाइनल लुक देती हूँ बेड को। पिलो कवर चढ़ाने के बाद मेरे को जाके किचन का भी काम खत्म करना है। अभी मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए हैं, बर्तन भी करने हैं और कल पूर्णिमा है और फिर श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर होना है। जाके अपने फेस की थोड़ी एडिटिंग करवा के आऊँगी। आईब्रोज भी नहीं बनी इतने टाइम से, सर वॉश भी नहीं हुआ मेरा, घर में ही होती रही। मैं जाके लूँगी एक स्पा और मेरा फाइनल हो चुका। इसके बाद लगी थी मुझे बहुत प्यास, मैंने कहा कि चलो पानी पी लूँगी। पूर्वी को बोला मैंने, पूर्वी तू ये वाले ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती? वो बोली नहीं मुझे नहीं पहनना। बहुत ज़िद करने के बाद मैंने उसको फाइनली मना लिया कि बेटा प्लीज़ आज पहन लो, कल मैं तुमको न्यू वाला पहना दूँगी। ये एक्चुअली बोलती कि मेरे को रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहनने हैं, मैं नए नए कपड़े कहाँ से लेके आऊँ डेली इसके लिए? बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कितना भी आप समझा लो वो नहीं मानेंगे।
और मेरे गले की प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है गाइज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 4 से 5 दिन हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, गले में खिंच खिंच और गले में पेन बना हुआ है। जाके मैं चाय लूँगी, फिर चाय पी के ही मुझे थोड़ा ठीक फील होगा। मैंने कहा ला बेटा कॉम लिया, फटाफट तेरे को कॉम कर देती हूँ, फिर मैं चाय बनाऊँगी। मैंने किया पूर्वी को कॉम, मैंने कहा पूर्वी जल्दी से अपने बाल सेट कर ले, फिर अपने इन सर को सुखा लेना, सर गीला मत छोड़ना बेटा, मौसम चेंज हो रहा है। पूर्वी भी को भी लास्ट वीक बहुत फीवर था, तो मैंने इसको बोला था, मैंने कहा बेटा सर मत धोना, लेकिन नहीं मानी, डेली अपना हेड वॉश करना है। इसको शैम्पू करना बहुत अच्छा लगता है। बस फिर ये करने लगी शैम्पू सुबह, तो मैंने उसको बोला कि बेटा चल ठीक है कॉम कर ले, फिर मैं ज़रा अपने मेरे को भी रेडी होना है, तो मैं बाल कॉम करके पूर्वी को साइड में मैं कर दूँगी और नहा तो मैं चुकी थी सुबह ही, फिर मैं भूल गई थी। मैंने कहा सुबह क्या होता है ना, किचन का काम करने के बाद आप फिर से थोड़ा सा गंदे हो जाते हो, तो आपको एक बार बाथ और लेना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँगी और नहा के फिर दोबारा से रेडी होंगी। आज जल्दी से बच्चों का ट्यूशन भी है, जल्दी मैम आएँगे पढ़ाने के लिए, ट्यूशन से फ्री होके फिर मेरे एक दो काम है, मेरे को मार्केट जाना है, मार्केट जाके मैं निपटाऊँगी। मैंने कहा चल पूर्वी अब देखते हैं, फेस ठीक करवाना यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, देखो क्या हाल हो रहा है मेरा। ये बच्चे बोले ये दोनों ना साथ में नहाने की बहुत जिद करते हैं। मैंने कहा नहीं साथ में नहीं नहाओगे, तुम लोग शैतानी करते हो, मैं तुम्हें नहाऊंगी। बोले नहीं मम्मी हमें ऐसे मत दिखाओ। मैंने कहा पानी पी लेती हूँ फटाफट से, फिर दोनों को नहलाऊंगी। कपड़े धो के कपड़े सुखा के इतना डिहाइड्रेट हो जाता है ना, मन करता है कि बस बार बार जल्दी से कोई बीच में पानी पीने को देता रहे। अब मेरे को ध्यान में आता है जब मेरी मम्मी कपड़े धोती थी तो मम्मी बार बार बोलती थी बेटा एक गिलास पानी दे देना। कपड़े धोने के बीच में कम से कम 4 से 5 बार मेरी मम्मी पानी पीती थी, और पानी पीने के बाद वो कहती थी हाँ जल्दी से मेरे को पानी दे दो। और मेरी ये बेडशीट रह गई थी, फाइनली इतने कपड़े धो दिए थे, फिर भी मेरे 2-3 कपड़े बच ही गए। मैंने कहा अब मैं इनको रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम धोऊँगी, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं धो सकती। तबीयत भी थोड़ी डाउन है तो मैंने आज मना कर दिया, मैंने कहा इसको स्टोर करके रखती हूँ, अब जो कपड़े रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम धुल जाएंगे। तभी मम्मी नीचे से आवाज़ लगाने लगी, गुन्नू को आजकल जूस पीने का बहुत शौक हुआ है। तो गाइस ये जो आप लिक्विड देख रहे हो ना, ये एक्चुअली है शैम्पू की बॉटल में। तो शैम्पू की बॉटल में एक लिक्विड डिटर्जेंट आया है, वो हमने स्टोर करके रखा हुआ है, उसकी आती है बड़ी कैन, तो वो कैन हम यहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा करके रख दिया है बॉटल के अंदर के हम कभी ऐसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत ख़राब कर देंगे। पूरी बोली थी मम्मी मुझे जैमब्रेड खाना है, मैंने उसको जैमब्रेड दे तो दिया लेकिन इसने छोड़ दिए पीसेज में, जो फाइनल मुझे ही फिनिश करने पड़ेंगे। तो गाइज ये बच्चों का रोज का होता है। फिर आ गई थी ट्यूशन वाली मैम, बच्चों का हो गया ट्यूशन स्टार्ट, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं पढ़ाई के लिए कभी नहीं किचकिच करती। और गाइज मैंने ये मंगाया था ऑनलाइन शैम्पू और ऑयल, मेरे हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइज, प्लीज़ कोई अच्छी सी कुछ भी टेक्निक शैम्पू या कोई ऑयल प्लीज़ मुझे बताना जिससे हेयर फॉल कम हो जाए, हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब बर्तन करके फाइनल अपना काम ख़त्म करती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी बर्तनों को किया साफ़, और आप ये देख रहे हो कि दूसरी किचन है, ये मेरी जेठानी किचन है, एक्चुअली मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन करती हूँ। ओके टाटा बाय।